सिर्फ एक विटामिन बना देगा आपके ऑर्गन को डंडे जैसा। ओनली वन विटामिन विल इंक्रीज योर सेक्स पावर टू अबंडेंस स्ट्रेंथ। आज मैं इस विटामिन की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीरियस सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 42 ईयर से मैं सेक्स के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप हमारी मेडिकेशन और हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हो, यू विजिट अवर वेबसाइट drkapoorclinic.com, आपको वहां से सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, हम बड़े हुए प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम ओवर एक्टिव ब्लैडर का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको सेक्स की समस्या है, आपको ब्लैडर की समस्या है, आपके प्रोस्टेट की समस्या है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम गारंटी से उसको ठीक करेंगे। इसके बारे में आप 101% अश्योर्ड रहिए। दोस्तों, बने रहे, जुड़े रहे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबा के ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो जो आपकी सेक्स लाइफ के साथ जुड़ी होगी, आपकी जनरल लाइफ के साथ जुड़ी होगी, वो आप तक वन आफ्टर द अदर आती रहे। इस विटामिन के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसका नाम और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी सारी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी बॉडी में करता क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट, जो ये आपकी बॉडी में चेंजेस करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ये नए सेल बनाता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है और आपके डीएनए चेंजेस को रोकता है। और जो डीएनए की चेंजेस होती है ड्यू टू एज फैक्टर, और जो एक कैंसर का कारण बढ़ती है, उसको भी रोकता है। और साथ ही साथ ये एक विटामिन ऐसा है जो आपको एनीमिया से बचाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपके RBCs, आपके रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम खून के कण बोलते हैं, लाल खून के कण, उसकी उनकी शेप को रेगुलर करता है। अगर ये इनकी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपके सेल ओवल हो जाते हैं या रेक्टेंगुलर हो जाते हैं या और शेप में बिगड़ जाते हैं, इनकी नॉर्मल शेप नहीं रहती और वो नॉर्मल ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं ले जा सकता और आप वीकनेस फील करते हो और आपको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ये एक आपको परनीशियस एनीमिया से बचाता है और आपके RBCs को कंट्रोल में रखता है और उनकी शेप को मेंटेन रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी सेक्स पावर को बढ़ाता है। ये एक ऐसा विटामिन है, ये आपकी बॉडी की सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, अच्छे से उसकी सर्कुलेशन को बनाए रखता है। अगर आपकी बॉडी में अच्छी सर्कुलेशन रहेगी, फास्ट आपका खून चलेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपकी सेक्स पावर हेल्दी रहेगी। अगर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, ज़्यादा खून की पंपिंग होगी, आपकी बॉडी में ज़्यादा खून जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। और आप ये जानते हैं कि अगर ज़्यादा खून आपकी बॉडी में जाता है, तो आपके पीनस में भी ज़्यादा खून जाता है। और आप ये भी जानते हो, अगर आपके पीनस में ज़्यादा खून जाएगा, ज़्यादा जोर से पंपिंग होगी, तो उसकी इरेक्शन भी बहुत अच्छी बनी रहेगी और ज़्यादा देर तक बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपका इजेकुलेशन का भी बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ ये एक ऐसा मिरेकुलस विटामिन है जो आपकी स्ट्रेस को कम करता है और आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो आपकी स्ट्रेस की वजह से होती है, इनकी इसको भी ठीक करता है। और अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं, साइड इफेक्ट इसके ओनली 0-1% होते हैं और ये बहुत रेयर केसेस में होते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर रैश हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और साथ में ट्रबल इन ब्रीथिंग हो जाती है। अगर कोई सांस लेने में आपको दिक्कत महसूस होती है ये विटामिन खाने से, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इस विटामिन को बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये विटामिन आपके लिए नहीं है, ये आपको वाफिक नहीं है। और अगर मैं टैबलेट की स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो इसकी टैबलेट 1 mg की आती है, 1 mg। आपने एक टैबलेट डेली खानी है और ये एक महीने में 25 दिन
21 दिन से लेके 25 दिन तक खानी है, सारा महीना नहीं खानी, बाद में आपने एक हफ्ता या 5 दिन इसको छोड़ देना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में आप ऐसे ही 21 दिन के लिए खाइए, एक हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ में 21 दिन के लिए खाइए, एक हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी बॉडी में इस विटामिन की भरपूर मात्रा रहेगी, आपकी सेक्स पावर बढ़ी रहेगी, आप कैंसर से भी बहुत हद तक बचे रहेंगे, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन अच्छी होगी, आप हेल्दी महसूस करेंगे और आप अपनी सेक्स लाइफ को ज़्यादा देर तक एंजॉय कर पाओगे। और विटामिन के नाम की बात करूँ तो ये बहुत ही छोटी गोली है, पीले रंग की गोली है, बहुत ही छोटी गोली है, इसकी कॉस्ट 8 आने से ज़्यादा नहीं है। ये भी आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसकी कॉस्ट 8 आने से ज़्यादा नहीं है। ये फॉलिक एसिड की टैबलेट है, इसको विटामिन B9 भी बोला जाता है, ये फॉलिक एसिड की टैबलेट है। आप अगर जेनरिक लेते हो आपकी एक महीने की कॉस्ट 30 रुपये से भी कम आएगी। इसलिए अगर आप अपनी सेक्स पावर को मेंटेन करना चाहते हो, रेगुलरली इसको बनाए रखना चाहते हो, ज़्यादा देर तक सेक्स को एंजॉय करना चाहते हो, तो आज से आप इस विटामिन की फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर दीजिए। एक टैबलेट सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद रेगुलर लेना शुरू कर, आप अपनी सेक्स पावर को ज़्यादा देर तक एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।